जय हिंद। सभी पेड कैंडिडेट वाले को अभी आपका होगा रिवीजन का, मतलब रिवीजन सेट आपका वन अवर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन अवर्ड सब्स्टिट्यूशन का करने से पहले यह है आपका इंग्लिश का जो आपका मार्क्स डिटेल्स, जिन्होंने अभी तक हमारा मतलब इस मार्क्स डिटेल को बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लिए है, इस चीज़ को देख सकते हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि 2019 और 2018 2019 में किस किस तरह से आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों को इस चीज़ का बारे में थोड़ा और एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपका जो पढ़ाई होगा इसी का बेस पे क्या है आपका, हम जो पेड कोर्स है पेड कोर्स का वीडियो देते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका वन वर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन वर्ड में क्या है आपका टोटल पिछले साल आया था आपका 5 क्वेश्चन आए थे, और इस साल आपका क्या है जो आपका 19 में आया था ये 8 क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते कि वन वर्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखिए सिनोनिम्स क्या है, पिछले साल आया मतलब आया था जो 18 में आया था 19 में नहीं आया, तो ये इस साल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए एंटोनिम्स क्या है, दोनों साल में आए, 5-5 नंबर का आए है। एडियम्स का क्या है, 18 में 5 क्वेश्चन आया था मगर 19 में आपका 10 क्वेश्चन आए हैं। तो एक समझ सकता है कि एडियम्स भी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी हम कवर करेंगे, एक एक पहलू को, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ एक एक पहलू को मैं लेके चलूँगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, जिन्होंने भी 125 रुपया देके पेड कोर्स परचेज किया है उन लोग, आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों को टिल एग्जाम आप लोगों को सब कुछ समझा जाएगा। अभी देखिए उसके बाद आपका ये हो गया आपका स्पेल करेक्ट, ये भी आपका जो आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको प्रैक्टिस करा रहा है बीच बीच में, ठीक है। पी क्यू आर एस भी आपको इसका पहले बेसिक नॉलेज समझाएंगे, उसके बाद इसको शुरू करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग प्रीपोजिशन आर्टिकल ख़त्म कर दिया, आप देख सकते हैं 10-10 नंबर का है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम आप 8 भी लेके आ गया तो एक अच्छा खासा स्कोर आपका इसमें से बन जाएगा। अभी देखिए अनसीन पैसेज में भी आपका अच्छा खासा स्कोर रहता है, क्योंकि 5+ का स्कोर आपका कम से कम इसको क्वेश्चन मतलब रहता है, तो स्कोर अच्छा खासा इसमें से कर सकते हैं कम से कम। तो ये 10 नंबर का आएगा तो कम से कम 6-7 नंबर तो आपका पक्का आएगा, क्योंकि इसमें क्या है आपको सिर्फ देख के आंसर देना है। अभी तो ये हो गया आपका 50-50 नंबर का जो आपका मार्क्स डिटेल्स, तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए कितना मतलब कारगर है। तो आप जितना भी पेड कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग डेडिकेटेडली जैसे जैसे आपको हर रोज़ आपको क्लास दिया जाता है, पहले आपको क्या करते हैं हम पीडीएफ दे देते हैं, पीडीएफ को पहले पढ़िए, अपने से खुद से तैयारी करिए, खुद से करेंगे उसके बाद आपको सॉल्व क्वेश्चन मिलने से क्या होगा आपका तैयारी एक अलग लेवल में चला जाएगा। एक वीडियो को एक बार का जाएगा, मैं 2-3-4 बार तक देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए पूरा फ्री है, सिर्फ आप ही के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, वीडियो सिर्फ आप ही के लिए पूरा वीडियो है, आप जितना बार मर्जी उसको देख सकते हैं। आपको टिल एग्जाम तक इसी ग्रुप में रखा जाएगा, एग्जाम के बाद आपको क्या है इस ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा, मगर जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप इसी ग्रुप में रहेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम बोलिए, चाहे इस साल का बोलिए, चाहे नेक्स्ट साल का बोलिए, कोई भी हो आपको तब तक ये रखा जाएगा। तो चलिए अभी आपका रिवीजन क्लास हम शुरू करते हैं। तो रिवीजन क्लास आज हमारा कौन सा है, वन वर्ड का है। ये हमने क्या किए थे, हमने ऑलरेडी क्या किए थे, 80 क्वेश्चन कर चुके थे। तो 80 क्वेश्चन में क्या क्या किए हैं उसी के बारे में क्या है एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। जैसे आप लोग पेड स्टूडेंट वाले को जैसे कोर्स का संबंधित कोई भी आपका क्वारी, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमारा इस नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका जो हेडिंग को बढ़िया से पढ़ना है। तो हेडिंग क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन गिवन बिलो आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। तो आपको आपका जो चूज करना है, आपका जो सब्स्टिट्यूट आपका सही बैठता है इसमें से, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, आपको एक को चुनना है। अभी देखिए इस वीडियो में जैसे हम फर्स्ट टाइम जब इस वीडियो को डाले थे, बहुत ज़्यादा आदमी ने हमको कमेंट किए थे कि द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग क्या है, आपने बहुत ज़्यादा ने कमेंट किया है, आपका गैस्ट्रोनॉमी होगा। मैंने भी इसको चेक किया, गूगल से भी चेक किया, गूगल भी इसको बोल रहा है गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। गूगल में इसको क्या चीज़ बोल रहा है, बढ़िया से इसको पढ़िएगा, ये बोल रहा है कि आर्ट जो आपका गुड जो आपका आर्ट का जो खाने का या उसका जो परखने के जो कला है उसका संबंधित जो स्टडी है उसको बोल रहा है गैस्ट्रोनॉमी। मगर एज पर द आपने डिक्शनरी को ढूंढ के देखेंगे गवर्नमेंट होता है आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको जब आंसर देने के लिए बोला जाएगा
तो आप ऑप्शन ए को ही आंसर करिएगा, ऑप्शन डी को आंसर मत करिएगा, क्योंकि मैंने किरण को भी देख लिया, एसएससी क्वेश्चन को भी देख लिया, इसमें आपका ऑप्शन ए ही होगा। जो जो दोस्त ने मेरे को इसको बताए थे कि ये सर क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसको थोड़ा देखिएगा, उसको हम थैंक यू जनाते हैं, मतलब थैंक यू बोलते हैं। अभी देखिए गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का अर्थ होता है जो खाने में जो क्वालिटी रख के खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। अभी ये एक नंबर क्वेश्चन हो गया, जो समस्या था वो भी मैं आपको बता दिया। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर्सन हु अपोज वॉर ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब ऐसा कोई आदमी जो आपका मतलब वॉर वगैरह का विरुद्ध है, जो शांतिप्रिय आदमी है, तो उसको बोलते हैं पेसिफिस्ट। आपका ऑप्शन बी आंसर है। चलिए क्योंकि आज 80 क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। अभी देखिए क्योंकि रिविजन क्लास है हमारा, अभी देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, ये बोल रहा है कि ये पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जैसे किसी आदमी का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है किसी ऑक्यूपेशन में, उसको बोलता है वेटरन अर्थात निपुणी। इसको कोनोजियर भी आपको बोल सकते हैं एक टाइप का, मगर कोनोजियर नहीं होगा, वेटरन ही आपका आंसर होगा। अभी चलिए उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है स्टेंटली डन। स्टेंटली डन का अर्थ होता है कि चुप चुप से जाना, उसको बोलता है सरप्टिशियस। आपका ऑप्शन सी अब आंसर है। चार नंबर का क्वेश्चन हो गया, अभी चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब कोई चीज़ का जैसे ज़्यादा दिन यूज नहीं हुआ है, मतलब वो अभी लुप्त हो चुका है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट। इसी का सिनोनिम होता है आर्काइव। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए छः नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, मतलब एक ऐसा जो है राइट रॉन्ग से अवगत नहीं है, मतलब वो नहीं जानता है कौन सा राइट या कौन सा रॉन्ग, तो उसको बोलता है आपको ये आप खुद से आंसर दीजिए, मैं बीच बीच से एक छोड़ देता हूँ, नहीं तो चलिए इसको आंसर दे ही देता हूँ। इसका है एमोरल, एमोरल होता है आपका बी ऑप्शन, भी आपका आंसर है। अभी देखिए सात नंबर, देखिए मैं एक बार बीच में और एक बात करना चाहता हूँ, ये जो रिविजन कर रहा है ना, जो भी कैंडिडेट रिविजन वाला सेट को दे रहे हैं, उससे मेरा रिक्वेस्ट है आपने इसको पहले जो पीडीएफ डाल दिया गया उससे पहले करिए, नहीं तो वीडियो को रोक के खुद से आंसर देने का कोशिश करिए, उसके बाद मेरा आंसर को देखिए, खुद से मिलाइए, और 80 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है उस चीज़ को देखिए। जरूरत पड़ने से वीडियो को स्पीड को बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड में बोलूँगा तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। तो अभी देखिए सात नंबर क्वेश्चन क्या है, सीवियरली एब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल, मतलब जैसे कोई न्यूज वगैरह में जो गलत गाली गलत शब्द जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है स्कैरिलास, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी देखिए चलते हैं आठ नंबर क्वेश्चन में, आठ नंबर क्वेश्चन है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, जैसे इसका बारे में आप समझाएंगे, जैसे आपने किसी गॉड को या किसी पावर को जैसे लाइक आपको जैसे मतलब आपको एग्जाम्पल दिया है जैसे लॉ के साथ में फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं इनवोकेशन। देखिए इसका बारे में मैं आपको समझाऊंगा, जैसे हम लोग महाभारत रामायण में देखते थे कभी भी जैसे कोई राक्षस वगैरह आते थे कोई मुनि ऋषि को अटैक करने के लिए, तो वो क्या करता था, भगवान को बोलते थे त्राहिमाम त्राहिमाम बचाइए हमको, तो उसी चीज़ को तब क्या करते थे मुनि लोग क्या करते थे गॉड को बोलते थे। मगर वर्तमान टाइम में जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड होता है आपको कोई डराता है तो आप किसके पास जाते हो, लॉ अर्थात पुलिस के पास जाते हो, तो वही चीज़ को बोलता है इनवोकेशन, जो आपका ऑप्शन ए आंसर है। आठ नंबर क्वेश्चन हो गया, अभी नौ नंबर क्वेश्चन में चलिए, नौ नंबर क्वेश्चन है फियर ऑफ बींग एनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज प्लेस, अर्थात किसी क्लोज प्लेस से डर लगना, तो उसको क्या बोलता है क्लोस्ट्रोफोबिया। बाकी ऑप्शन का भी हम जो आपका जो क्लास हुआ था क्लास में बता दिए थे। अभी चलिए नौ नंबर हो गया, अभी दस नंबर में चलते हैं। दस नंबर में क्या है, वन हु हैज़ बिकेम डिपेंड ऑन समथिंग और ड्रग इज क्या, इसको क्या बोलता है, जो आपका क्या होता है कोई ड्रग वगैरह का ऊपर जो एडिक्टेड होता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है एडिक्टेड, जो ड्रग वगैरह को बिना हाथ लगाए नहीं रह सकते हैं तो उसी चीज़ को बोलता है एडिक्टेड। अभी देखिए एडिक्टेड हो गया। अभी चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, जैसे कोई एक फैमिली से पूरा जो राजा लोग जैसे बिलोंग करते हैं तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है डायनेस्टी। ये आपका हो गया 11 नंबर का ऑप्शन ए। अभी 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू काट समथिंग इंटू टू पीसेस, इसको बोलते हैं सेवर, जैसे एक कोई एक चीज़ को दो पीस में काट दिया जाता है उसको बोलते हैं सेवर, ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लैट मेटल पोर्सलेन प्लेट फिक्स ऑन ए वॉल एज ए ऑर्नामेंट, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है एक्ट ऑफ डिसीविंग,
एक्ट ऑफ डिसीविंग somebody इन ऑर्डर टू मेक मनी, जैसे किसी को पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा दिया जाता है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है फ्रॉड। तो ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अभी चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्ट्रम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा का अंत में जो स्पीच दिया जाता है उसको बोलता है एपिलॉग। आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिटेन वर्ड रिटेन ऑन ए टॉम, जैसे टॉम अर्थात किसी जैसे कोई जैसे हम लोग मठ वगैरह बनाते हैं, जैसे मरने के बाद जो सब का जो बनाया जाता है मंदिर टाइप का बनाया जाता है उसका ऊपर जो लिखित वर्ड होता है उसी चीज़ को क्या बोलता है एपिटेम, और ये जो सब का बना हुआ चीज़ को क्या बोलता है टॉम बोलते हैं। तो देखिए ये आपका ऑप्शन डी हो गया। अभी 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैपेबल ऑफ बींग अंडरस्टूड इन ए आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस एंड देयर फोर नो डिफाइंस, अर्थात जैसे कोई एक चीज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग हो और उसमें क्लियर नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी 18 नंबर में क्या बोल रहा है कि ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो मतलब अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो उसको बोलता है इंस्टॉलमेंट या बैंकक्रप्ट। अभी देखिए ये भी 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब कोई एक आदमी फॉरेन से इन हुआ है हमारा भारत में और सेटल हो गया तो उसको ऑप्शन इमिग्रेंट बोलता है, आउट होने से उसको इमिग्रेंट बोलता है। तो चलिए अभी चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समथिंग कैपेबल ऑफ बींग डन, जो आपको इसको क्या बोलता है फेसिबल बोलता है, समथिंग कैपेबल ऑफ बींग डन इसको बोलते हैं फेसिबल, आपका ऑप्शन बी। अभी 21 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, तो इसको बोलता है रेसिप्रोकेट। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 22 नंबर क्वेश्चन चलता है, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड इमेजिनेशन एंड विजडम, तो इसको बोलता है विजनरी, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। अभी देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन है ए डॉक्टर हु ट्रीटेड चिल्ड्रन, ऐसा एक ऐसा कोई डॉक्टर जो चिल्ड्रन को क्या करता है ट्रीटमेंट करता है तो उसको बोलता है पीडीटीसीएन, आपका ऑप्शन है आपका आंसर है। अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल, तो उसको बोलता है सेफोलॉजिस्ट, आपका ऑप्शन भी आपका आंसर है। अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि वन हु बिलीव इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वोमेन इन ऑल स्पेयर, तो इसको बोलता है फेमिनिस्ट, आपका ऑप्शन भी आपका आंसर है। मतलब ऐसा कोई आदमी जो विश्वास करता है कि मतलब लेडीज और जेंट्स इक्वल है हमारा मतलब ये अर्थ में, तो इसी चीज़ को बोलते हैं। अभी 26 नंबर बोल रहा है किलिंग ऑफ चाइल्ड, किलिंग ऑफ चाइल्ड का अर्थ है जैसे कोई बच्चे को मारना, ऐसे किसी भून को मारना तो उसको बोलता है इन्फेंटिसाइड, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी 27 नंबर क्वेश्चन कि वन हु इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, ऐसा कोई आदमी जो प्लेजर पेन से कोई मतलब नहीं है मतलब सुख दुख से कोई मतलब नहीं है उसको बोलता है स्टोइक, आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। अभी हो गया आपका 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, इसको बोलता है मोमेंटरी या ट्रांजिस्टरी, जैसे कुछ क्षण भर के लिए कोई चीज़ को रहना उसको बोलता है मोमेंटरी। अभी देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू सीज कंट्रोल ऑफ ए व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इन इट टू गो टू ए न्यू डेस्टिनेशन फॉर डिमांड समथिंग, जैसे समझिए ये आपका कार है और इसी कार में आप बैठे जा रहे थे, किसी एक दूसरा आदमी आके आपको ऐसा पिस्टल या आपका बंदूक दिखा के क्या बोलता है आपको मतलब आपको कार को अपने कब्जे में ले लेता है और किसी दूसरे जगह तक लेके जाता है या कुछ डिमांड करता है तो उसको बोलता है हाईजैक, आपका ऑप्शन सी। 29 का हो गया ऑप्शन सी। अभी देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वन हु हेट मैनकाइंड, ऐसा आदमी जो मैनकाइंड को हेट करता है तो उसको बोलता है मिसेंथ्रोपिस्ट, और फिलेंथ्रोपिस्ट इसका ऑपोजिट है। अभी देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन हु वॉक ऑन ए रोप, ऐसा कोई आदमी जो रोप में चलता है तो उसको क्या बोलता है फनेम्बुलिस्ट, आपका ऑप्शन है आपका आंसर है। अभी देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन आपको बोले है कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड, तो इसको क्या बोलता है इटिमोलॉजी, अर्थात जैसे आपने जो स्टडी करता है जो ओरिजिन हिस्ट्री और वर्ड का तो उसका क्या है हिस्ट्री और ओरिजिन जो वर्ड का हिस्ट्री और ओरिजिन संबंध में जो बताता है उसको बोलता है इटिमोलॉजी, तो ये आपका हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। अभी 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ए पर्सन हु ब्रेक इन टू ए हाउस इन ए ऑर्डर टू स्टील, ऐसा कोई पर्सन जो चोरी करने के लिए किसी घर को तोड़ता है तो उसको बोलता है बर्गलर, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। अभी देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ ए मैथ मैप, इसको बोलता है कार्टोग्राफी, ये आपका हो गया 34 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, टच टिश्यूज इन जॉइंट, अर्थात जैसे कि जो आपको जो टिश्यूज को ज्वाइंट करने वाला जो होता है उसको बोलता है लिगामेंट, आपका ऑप्शन भी आपका आंसर है।
अभी देखिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, जैसे कोई चीज़ का बना हुआ चीज़ का, जैसे एक फ़ोन है इसका जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो फर्स्ट आपका डिवाइस माना जाता है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, आपका ऑप्शन ही आंसर है। अभी 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीटेड, जैसे जहाँ पे ऑडियंस बैठता है तो उसको बोलता है ऑडिटोरियम, आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका आंसर है ऑडिटोरियम। तो चलिए अभी 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन दैट व्हिच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, जैसे कोई चीज़ को खूब बहुत कम समय के लिए रहता है तो उसको बोलता है ट्रांजिस्टरी या मोमेंटरी। अभी देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जैसे कोई चीज़ आप कोई चीज़ कुछ भी विश्वास कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये फोर फुटेड एनिमल, जैसे कोई एक एनिमल है और क्या है उसका क्या है चार पैर है तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है क्वाड्रोप्ट, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, जैसे कोई चीज़ के लिए आपने कॉन्टिन्यूसली प्रयास करना तो उसको बोलता है पर्सिवरेंस, जैसे आपने एलडीसी के लिए कॉन्टिन्यूसली प्रयास कर रहा है तो इसको बोलता है पर्सिवरेंस। अभी 41 का हो गया। अभी 42 का देखिए, वन हु कलेक्ट कॉइन्स, जैसे ऐसा कोई आदमी जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है तो उसको बोलता है न्यू मैथमेटिस्ट, आपका ऑप्शन बी आंसर है। अभी देखिए उसके बाद चलते हैं हमारा 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी होता है, ऑप्शन बी आपका आपको बोलता है टोटली टेरिटेरियलिज्म, तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी। अभी 44 का क्या है, कस्टम एंड हैबिट ऑफ ए पर्टिकुलरली ग्रुप, तो इसको बोलता है मोर्स, आपका ऑप्शन है आपका आंसर है। अभी देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल, जैसे कोई एक बॉडी है वो बैठता है क्या है कोई चीज़ सुनता है, जैसे जज कोर्ट में सुनता है और बाद में क्या है उसका जजमेंट देते हैं, तो उसको बोलता है जूरी, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। आप रुस्तम मूवी को देखे होंगे तो जूरी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। अभी देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉन्क्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटररी वर्क, तो कॉन्क्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटररी वर्क, कॉन्क्लूडिंग का अर्थ होता है कि एंड, अर्थात जैसे कोई भी वर्क का जो लास्ट में आपको जो कॉन्क्लूड किया जाता है तो उसको बोलता है एपिलॉग, आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो गया। अभी देखिए उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन की वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, जैसे कोई चीज़ आप मतलब आप पुनर से वो किया है ठीक नहीं किया जा सकता है तो उसको बोलता है इनकॉरिजेबल, आपका ऑप्शन भी आपका आंसर है। अभी चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है साइंस ऑफ डिजीज, साइंस ऑफ डिजीज को इसको क्या बोलता है, तो इसको बोलता है पैथोलॉजी, आपका ऑप्शन बी आपको आंसर हो गया। अभी 49 नंबर क्वेश्चन है वन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक ऑफ अदर, जैसे कोई एक आदमी दूसरे आदमी का जो छुप 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 से बात सुने तो उसको बोलता है ऑप्शन डी आपका इवीज ड्रॉपर्स बोलते हैं, आपका ये हो गया। अभी 50 नंबर क्वेश्चन वन हु बिलीव इन नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इनसाइड्स डिसऑर्डर इन स्टेट, मतलब ऐसा कोई आदमी जो गवर्नमेंट में विश्वास नहीं करता है और स्टेट का अंदर क्या अराजक मतलब चाहते हैं तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है एनार्किस्ट, आपका ऑप्शन डी आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, ए माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर ए ऑफेंसिव और हर्स वन, तो इसको बोलता है जो आपका ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी देखिए आपका ए का हो गया। अभी आपका 52 नंबर क्वेश्चन मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मर्डर ऑफ पेरेंट्स को क्या बोलता है, आपको बोलता है पेरिसाइड, ये आपका ऑप्शन है आपका आंसर है। अभी देखिए उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन एनिमल हु लिव्स इन ए यार्ड, मतलब एक ग्रुप में बास करने वाला एनिमल्स, उसको बोलता है गिगेरियस, जो आपका ऑप्शन भी आंसर है। अभी चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में, ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्री, जैसा ये कि रोड है और चारों तरफ आपका पेड़ लगा हुआ है तो उसको क्या बोलता है बोलीवार्ड, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, वायलेंस ऑफ समथिंग होली और स्क्रेड, मतलब जैसे कोई होली किताब का क्या है जो बेयाद भी करना, पुस्तक को फाड़ फूट देना या उसका मतलब अपमान कुछ करना तो उसको बोलता है, उसको बोलता है स्क्रिलेज, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लीव व्हिच कैन ऑप्टेन कॉजेज डिजीज, मतलब ऐसा कोई पेड़ जिसका फूल पत्ता कुछ नहीं है और बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है उससे से बीमारी हो सकता है तो उसको बोलता है फंगास, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। अभी चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहे कि वन हु इज ग्रीडी, तो इसको बोलता है एवारेसियस, एवारेसियस आपको आपका एवारेसियस
ये देखिएगा, जो भोरासियस और एवरेसियस ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक होता है फूड के लिए होता है, एक लालची होता है, एक होता है आपका पैसे के लिए होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन 57 का हो गया। 58 का क्वेश्चन देखिए, ए प्लेस वेयर ज्यूज और शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजनशिप, जो ज्यूज वगैरह जहाँ पे उसका भगवान को रखा जाता है उसको क्या बोलता है, उस रिलीजन बोलता है सिनागोगो। आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड रिलीजियस आइडिया एंड बिलीफ, तो उसको क्या बोलता है, जो आपने स्टडी करता है रिलीजियस संबंधी उसको बोलता है थियोलॉजी। ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी 60 नंबर क्वेश्चन किया है, डिस्कशन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द कॉजेज ऑफ डेथ, तो इसको बोलता है आपको बोलता है ऑटोप्सी, अर्थात जैसे जिसको बोलता है पोस्टमार्टम, अर्थात आपका जो मरने का सही कारण जानने के लिए जो आपको किया जाता है। अभी देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि ए पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट, जैसे कोई एक पर्सन उसका ट्रेनिंग वगैरह कुछ जानकारी नहीं है उसको बोलता है नेविस। आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन डी आपका टोरेंट बोलता है। अभी देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ होल ग्रुप और पीपल स्पेशली ए होल रेसेस, जैसे होल रेसेस या होल पीपल को हत्या करने का क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन डी जेनोसाइड। तो ये 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए गवर्नमेंट इन व्हिच ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड, ये ऐसा कोई गवर्नमेंट जहाँ पे क्या सभी सरकार को सम्मान दिया जाता है, तो उसको बोलता है सेकुलर, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, ऐसा कोई जगह जहाँ पे सरकारी और आपका बेसरकारी दस्तावेज को रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं आर्काइव। ऑप्शन है आपका आंसर है। अभी देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन है लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वोमेन विदाउट हैविंग मैरिज टू इच अदर, मतलब बिना शादी का जो जैसे कोई महिला और कोई पुरुष एक साथ में रहता है तो उसको बोलता है कॉन्कुबिनेज। आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो अभी देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो इसको बोलता है रेड ट्रैपिस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी कोई भी चीज़ का। अभी ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, इसको शायद मीनिंग बोलने का जरूरत नहीं, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, ए स्लाइली लुक दैट इज लस्टफुल, मतलब ऐसा कोई चेहरा जो दिखने में अच्छा नहीं है, तो उसको बोलता है लीर, जो आपका ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, ए जोकुलर पर्सन हु इज फुल्ली अम्यूजिंग एनेक्डॉट्स, इसको बोलता है वेग, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, डीप इन थॉट, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करना, तो उसको बोलते हैं पेंसिव, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, विदाउट रिक्स एंड पनिशमेंट, तो उसको बोलता है इम्पूड एंड इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विथ वन हेल्थ, तो इसको बोलता है हाइपोकॉन्ड्रिया, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है, मतलब बहुत ज़्यादा शरीर के लिए चिंता करने वाला, जैसे एक टाइप का मतलब पागल टाइप का आदमी होते हैं। अभी देखिए द ओरशिप ऑफ आइडिया और इमेज, इसको बोलता है इडियलेटोरी, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी 75 नंबर क्वेश्चन है समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, तो इसको बोलता है टॉक्सिक्स, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, ये रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, इसको बोलता है पैनेसिया, आपका ऑप्शन भी आपका आंसर है। तो ये आपका 76 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इनरेसिस्टेबल क्रेविंग फॉर ए अल्कोहलिंग ड्रिंक, इसको बोलता है आपको जैसे आपका डिप्सोमेनिया, मतलब आपको ड्रिंक का ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्टेड हो जाना, तो उसको बोलता है 78 को क्या बोलता है, क्या क्या है आपका क्वेश्चन, वन हु डिजर्ट हिज प्रिंसिपल और पार्टी, तो इसको बोलता है रेनिगेट, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो ये 78 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी 79 नंबर क्वेश्चन, वन हु इंडिफरेंस बिटवीन टू और मोर पार्टी टू सेटल डिफरेंस, इसको बोलता है इंटरमीडिएट, अर्थात कोई डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाला पार्टी में। अभी देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, इसको बोलता है नार्सिसिज्म, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो देखिए जी, ये पूरा वीडियो था पेड स्टूडेंट वालों के लिए, तो आप लोग बताइएगा ये जो रिवीजन आपको कैसा लगा, आपका रिवीजन के टाइम पे कितना क्वेश्चन सही हुआ, पक्का कमेंट करिएगा। अच्छा लगने से वीडियो को लाइक करिएगा,
और देखिए आपका प्रिपरेशन हम एक डेडिकेटेडली तरीके से लेके जा रहा है। अभी तक आपका 80 क्वेश्चन हो गया है, अभी क्या करेंगे, आज क्या था, संडे का दिन था इसलिए आपको रिवीजन करा दिया, कल क्या करेंगे, मंडे का दिन है, आपका फिर से 20 क्वेश्चन आएगा वन आवर सब्स्टिट्यूशन का। तो आपका कम से कम अभी क्या करेंगे, 200 क्वेश्चन तक कराएंगे या 200 से 250 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम लोग चला जाएंगे EDM और फिजिक्स में चला जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इधर ही ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।